दुमका दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की जीत का दावा किया। केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से डॉक्टर लुईस मरांडी के नाम का ऐलान होने के बाद आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर दास ने कहा कि अब हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दुमका और बेरमो दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। 9 महीने बाद भी इस सरकार ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। उल्टे यहां कुशासन, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद चरम पर पहुंच चुका है। जनता का आक्रोश जो मैं देख रहा हूं कि दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ भ्रष्ट हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू। विपक्ष की भूमिका झारखंड को लूटने नहीं दे। इस सरकार का खटिया खड़ा करके रहेगा। झारखंड सदैव अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी ने बना। जो जन्मदाता होता उसी को दर्द होता। जिस तरह एक माँ 9 महीने में बच्चे को जन्म देता, इस सरकार भी 9 महीने हो गया है। सरकार बच्चा क्या निकला? कुशासन, भ्रष्टाचार।